तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है, कैसे सारे? स्वागत आप सभी का भाई अपनी एक और ब्रांड न्यू सीरीज में। और भाई आप लोग सोच रहे हो कि आज इस सर्वाइवल वर्ल्ड में ना होके मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे भाई दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट ही है। एक मिनट भाई, पहले तो ये साला चंक कम करो, इसकी भैंस की टांग साला कभी चलता ही नहीं है। हाँ तो भाई ये देख रहे हो, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है भाई, और कुछ नहीं है इधर। और नीचे मेरे हार्ट से तुम लोगों को दिख ही रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ भाई, ये अपने होने वाली है 100 डेज हार्डकोर माइनक्राफ्ट, बट किसमें? ओनली डेजर्ट वर्ल्ड भाई, इसमें और कुछ नहीं होने वाला है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, और लकड़ियों की तो भूल जाओ, ये वाली लकड़ियां तो मिल जाएंगी, बट वो ओक की और ये बाकी सारे प्लैंक्स वैंक्स कुछ नहीं मिलने वाले इधर। और अपन को भाई इस वीडियो में, मतलब पूरी अब तो सीरीज चलेगी जब तक मैं मर नहीं जाता इसमें, तो भाई सीरीज को बनाने वाले अपन बहुत अमेजिंग। बाकी आज की वीडियो चालू करते हैं एक विलेज से, और चालू क्या करते हैं, मेरे को वो विलेज ढूंढनी पड़ेगी, तो चलो चलते हैं अपन। और भाई हार्डकोर लाइक इजी नहीं होने वाला है, मैंने पहले भी हार्डकोर खेला है, वो रैंडम देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, हार्डकोर एक बार के लिए भले लोग बोल दें इजी है, बट मेरी हरकतें ऐसी है कि मैं अभी 2 मिनट में शहीद हो जाऊंगा। चलता अभी इस साइड चल के देखते हैं यार कहीं तो। भाई लोग ये देख रहे हो, ये अपन को मिल चुकी है एक विलेज। अब मैं पहले जल्दी से अपने चंक्स को वापस गिरा देता हूँ। इस साइड अपनी विलेज है, तो अपन यहाँ से सीधा नीचे चलेंगे। मैं भाई लिटरल 22 चंक पे कर दिया कि विलेज अगर होगी भी और मेरे से मिस हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। भाई मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी हरकतें ऐसी हैं, मैं अभी 5 मिनट में वापस मर के नया वर्ल्ड बना रहूँगा। चलो भाई फाइनली इस विलेज में तो मैं आ चुका हूँ, पहले एक घर में किसी में भी रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लूँगा। अब बाकी घरों में जाके बेड उठा लूंगा एक का, बस बहुत है। अब यहाँ पे विलेज लूटते हैं और फिर देखते हैं अपन को क्या क्या मिल रहा है इस विलेज से। गुड मॉर्निंग भाई लोग, लास्ट डे पे मैंने भाई एक आयरन की पिकेक्स एक्वायर कर ली थी गोलम को मार के, और ये पूरी विलेज भाई मैंने खाली कर दी। इतना कुछ काम का तो मिला नहीं है, ये देख रहे हो। एक मिनट, कहाँ गई भाई, कहाँ से आएगी? इजंट इट आयरन पिक? गोलम को मारा, 3 आयरन मिला, आयरन की पिकेक्स बना ली, मिशन अकम्प्लिश्ड। और फिलहाल ये मेरे पास देख पा रहे हो भाई 64। और भाई तू फिर से आ गया, सुन तो, भागो भागो भागो, मारेगा बहुत मारेगा, आ रहा है अब। 1 2 3, एक और गोलम आया तो उसको भी मार के फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। भाई ये वाला गोलम पूरा 5 आयरन गिरा के गया, तो इसका मैं बना लूंगा एक वाटर बकेट, क्योंकि ये अपनी चल रही है सर्वाइवल सीरीज, इतनी मुश्किल होने वाली है। हल्के से डैमेज में, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज लगा, तो मैं इसकी पानी की बाल्टी बना लिया। और भाई मैं 5 क्राफ्टिंग टेबल लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इस विलेज में क्राफ्टिंग टेबल इतनी मुश्किल से मिली है एक तो मेरे को, और बाकी आयरन मैं भी रख दूंगा, आयरन का ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि भाई अगर नहीं मिला दिक्कत हो जाएगी। अबे भैंस की टांग, कहाँ दिक्कत हो जाएगी, तू इधर आ, सुन मैं बोल रहा था आयरन की दिक्कत हो जाएगी, अबे तू तो इधर ही आ गया। एक मिनट यहीं रुकना, पहले इसको मार देता हूँ ताकि ये कहीं जाए नहीं। यहाँ से बनाऊंगा एक आयरन की तलवार, इसको रख दूंगा मैं सेकंड नंबर स्लॉट पे, इसको थर्ड नंबर पे, और ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के भाई इस गोलम को भी पेल देता हूँ। अबे भाई, मतलब अभी मैंने 3 गोलम मारे, ऊपर से ये देख रहे हो, एक गोलम उधर चढ़ा हुआ है, एक गोलम ये इधर चढ़ा हुआ है। भाई मैं बोल रहा हूँ ये विलेज इतनी बड़ी है, इधर बहुत सारे गोलम आ रहे हैं। देखो ये तो डैमेज है पहले ही कहीं से, इसको खत्म कर देता हूँ, शायद पानी में डूब गया था। चलो ये भी गया, एक गोलम ऊपर भी चढ़ रखा है। भाई मैं लिटरल बता रहा हूँ, मैं सिर्फ गोलम मार मार के आयरन का पूरा आर्मर निकाल लूंगा। भाई ये गोलम भी जा चुका है, और देखूं और कितने गोलम है। पहले तो मेरे को एक आयरन की एक्स बनानी है, एक मेरे को बनानी है होए, एक शवल बना लूंगा, और बचे हुए की बना लूंगा चेस्ट प्लेट। भाई लिटरल बिना कुछ करे, बिना कोई केव में जाए, मेरे को एक ये मिल गया है भाई, आयरन का पूरा आर्मर बनने वाला है। मतलब उसके लिए तो अभी और गोलम मारने पड़ेंगे, तो मैं इस विलेज में पहले अच्छे से ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं गोलम तो मिलेंगे, गोलम मार के फिर पूरा आयरन का आर्मर बना के आता हूँ।
तो भाई लोग मैं पूरा आयरन का आर्मर तो बना चुका हूँ, बट अभी मैं मर जाता लिटरल। इधर देख रहे हो इतने सारे विलेजर हैं, तो गोलम यहाँ पे बिल्कुल फंस के स्पॉन हुआ, मैं उसको मार रहा हूँ और वो भाई बंदा बाहर निकल गया भैंस की टांग। और उतने मेरी इन्वेंट्री अलग खुल गई, मेरी तलवार हाथ से छूट गई, मैं लिटरल बता रहा हूँ मर जाता। फिलहाल आज तो देखो मेरे पास पहले ही दिन में, मतलब पहला क्या, आज डे वन ही है लॉल, डे वन पे मेरे पास आ चुका है अपना पूरा आयरन का आर्मर भाई, और आयरन के टूल्स भी सारे आ चुके हैं। पर अभी ये अपन को खत्म नहीं होता इस विलेज से काम, अपन को भाई यही विलेज अपन का बेस बना लेंगे। ले भाई यही विलेज को मैं बना लूंगा बेस, तो पहले आज रात में तो सोऊंगा नहीं मैं, आज रात में यहाँ पे नहीं सोऊंगा, आज मैं बता रहा हूँ। पहले दो चार के घर खाली करेंगे, सेंटर की साइड में बोल रहा हूँ, घर खाली करके एक बिल्कुल मतलब दीवार से फोर्टिफाई करके एक बड़ा सा बेस बनाते हैं, वहाँ पे अपन सारे विलेजर्स के बेड लगा के उनको ट्रैप कर लेंगे ताकि अपन एमराल्ड निकाल पाए। एमराल्ड अपन को इसलिए चाहिए कि अभी वॉन्डरिंग ट्रेडर आ गया और उसने सैपलिंग ट्रेड किया तो अपन सैपलिंग ले लेंगे। तो देखो ये वाली जगह आई थिंक सो ये जगह सही हो सकती है, इतनी जगह में मैं बना लूंगा। तो अभी पहले ये सारे घर हटाने पड़ेंगे, रात में खैर कोई विलेजर नहीं है तो परेशान करने वाला कोई है नहीं, मैं इधर चेस्ट उठा के ले आता हूँ और फिर घर बनाना चालू करता हूँ। चलो भाई लोग मैं दो चेस्ट लेके आके इधर डबल चेस्ट बना लिया, अपना सारा सामान मैंने इधर स्टोर कर लिया है, अब इनके घर खाली करना चालू करता हूँ। पहले तो ये टॉर्च निकाल के ऑफ हैंड में रख लूंगा और साथ में बिल्कुल टॉर्च भी। अबे भाई तू पागल है क्या, साला ऐसे चिल्ला रहा है। अबे तू पागल वागल है क्या, तेरे को बोल रहा हूँ चिल्ला मत, वो फिर भी चिल्लाया जा रहा है बंदा। अब पहले मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इनके सबके घर इस एरिया में खाली करके फिर आता हूँ। तो भाई लोग मैं आ चुका हूँ वापस, और भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को, बाकी अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ वीडियो एंड कर देते हैं, एक बार दिखा देता हूँ ये मैंने पूरा बेस बना लिया है। अरे भाई ये ब्लॉक क्यों नहीं उठाया, मेरे को लगा इसने ब्लॉक उठा लिया। सारे ज़्यादा हाथ नहीं चल रहे तेरे, शांति से वो ब्लॉक उठा लिया। यहाँ पे ज़ॉम्बी ट्रैप है भाई, ये सारे विलेजर्स को डराएगा, गोलम स्पॉन होंगे। ये मेरा एग्जिट का रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाऊँगा, इस फेंस गेट को खोल के बिल्कुल बाहर और इसको वापस से बंद। भाई मतलब बहुत ही प्यारा रास्ता तो बना दिया है मैंने। और हाँ लाइक ये जितने मतलब अपने विलेज में ये सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इन सबको मेरे को अभी कवर करना है, जिसके लिए मैं यहाँ से नीचे जाके एक बार दिखा देता हूँ। मैं इस साइड से गया था, अबे जगह कौन सी थी, लॉल भाई मैं खुद की जगह ही भूल गया, रास्ता बना लेंगे कोई बात नहीं। ये वो जगह है जहाँ पे मैं लाइक मैं पूरी विलेज के नीचे की सैंड खाली कर रहा हूँ और उसको ऊपर जाके लगा दे रहा हूँ। इससे अपना क्या हो रहा है कि लाइक सैंड मेरे को ज़्यादा दूर से लाने भी नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ से लैंड बहुत दूर है और बिल्कुल मतलब ऊपर जितना कवर अप करने का एरिया है वो भी हो जा रहा है। तो आई थिंक सो दिस इज़ गुड, और फिलहाल यहाँ से मैं चलता हूँ अभी बाहर। तो भाई लोग ये वाली आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई आजकल वीडियो में थोड़ा मतलब व्यूज़ कम आने लगे हैं, तो यार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो, उनको भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो दिखाया करो, दुआएं देंगे भाई बता रहा हूँ। फिलहाल मिलते हैं ऐसी कोई अमेजिंग सी वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय श्री राम।